तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा पौधे के बारे में जो घर में लगाते हैं या साइड में लगाएं, जो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। जैसे गर्मी में सिर्फ छाया में ही लगा सकते हैं ज़्यादातर इसको, थोड़ा सा धूप लगेगा तो चलेगा, या पूरा धूप रहेगा तो पत्ते जल जाएंगे इसके। तो ये है डिफेनबेकिया। तो डायफनबेकिया तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने घर में लगा के रखा है और इस तरह से रूट हो गया है बड़ा बड़ा लंबा लंबा, देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इसे काट काट कर इधर बिठा दिया है पूरा लाइन से एकदम, तब जाके इतना घना हो हुआ है यहाँ पर। आप देख ही सकते हैं मैंने काट काट कर इसे बिठा कर इतना किया है, लगभग 4-5 पेड़ से इतने सारे पेड़ कर लिया मैंने। और मैं बताने जा रहा हूँ कि तुलसी अगर है आपके पास, तो अगर आपके पास ज़्यादा तुलसी आता है कहीं साइड में लगा दे, हेज की तरह कर दे, ताकि वो देखने में बहुत सुंदर लगे। तो मैंने हेज की तरह लगा दिया तुलसी को और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं, हेज बना सकते हैं तुलसी को कहीं भी लगा कर, लेकिन ठंडे में थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ठंडे में भी बचाना होगा ठीक से, या गर्मी रखना होगा उसके नीचे खाद देकर, तब जाके आपके पत्ते ठीक लगेंगे। और देख सकते हैं मैंने तुलसी पत्ते को इधर साइड साइड में लगा दिया है, लगा दिया है साइड साइड में, तब जाकर आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने हेज बनाया है इनको, इस तरह से बना कर रखा है ताकि बहुत ही सुंदर है। इसको भी मैं हेज बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे अगर घर में बनाना चाहते हैं कहीं साइड में लगा के तुलसी को, तो आसानी से हेज की तरह बना सकते हैं। तुलसी का हेज बहुत सुंदर ही होता है। तो देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहा है, मैंने एक एक पौधा को लगा दिया निकाल निकाल के ज़्यादा होने के कारण, ताकि बहुत सुंदर लगे। तो और ऐसे वीडियो पाने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसी जानकारी के लिए।